Now, चलिए मैं इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड कोन डिटरमाइन करने का एक तरीका बताता हूं. द करेक्ट आंसर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 3/10 एम आर स्क्वायर. दिस इज द करेक्ट आंसर. You would conclude that moment of inertia is independent of this half angle alpha. This half angle alpha पर depend नहीं करेगा, ना ही वह moment of inertia height h पर depend करेगा. Moment of inertia depend करेगा सिर्फ cone के mass पर और base radius. यह एक solid cone है. एक uniform, एक constant quantity हम define करेंगे. मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम रो से डिनोट कर देते हैं और टोटल मास इज एम एंड द वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 3m/ पाई आर स्क्वायर एंड इट्स dm/ डीवी. एंड दिस वुड बी अ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी. अब इसमें डिफरेंशियल एलिमेंट को चूज करना, उसके लिए वेरिएबल पैरामीटर्स लेना, उसे मैं सिखाता हूं. हम इस केस में रेफरेंस एक्सेस इस एपेक्स से देखें, रेफरेंस एक्सेस हम इस एपेक्स से देखें और इस रेफरेंस एक्सेस से वाई की दूरी पर और डीवाई विड्थ का यह डिफरेंशियल एलिमेंट ले. जरा इस डिफरेंशियल एलिमेंट का शेप समझ जाइए. इट्स अ सर्कुलर डिस्क. यह सर्कुलर डिस्क है जिसका कि कुछ रेडियस है आर. यह सर्कुलर डिस्क जिसका रेडियस आर है. अब इस डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए डिफरेंशियल मास, डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वह एक्सप्रेशंस लिखते हैं. सबसे पहले डिफरेंशियल मास लिखने के लिए मैं आर के लिए एक्सप्रेशन लिखूं. आर अपॉन वाई इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन एच. और आर इज इक्वल टू आर अपॉन एच इनटू वाई. This would be the radius. Small r upon y, this tan alpha would be equal to capital R upon h. Similar triangle से बोल दो या tan alpha की definition से बोल दो. कुछ भी logic बोल दो इस equation के लिए. फिर इसका जो area होगा, area of this disk would be pi r square. Its area would be pi r by h into capital Y whole square. Or this area is pi r square by h square into Y square. This is the area. यह area लिखने के बाद अब हम इसका डिफरेंशियल वॉल्यूम लिख देते हैं. यस, इट्स विड्थ इज dy. इसकी जो विड्थ है वह dy है. हम इसका डिफरेंशियल वॉल्यूम लिख सकते हैं. दैट डिफरेंशियल वॉल्यूम वुड बी रो इनटू dv.
its differential volume would be, sorry, differential volume is A into dW, area into width, or differential volume is pi r square by h square into y square dy. Its differential mass is mass per unit volume into volume. Dm is equal to rho dv. So its differential mass is rho ki jagah maine likha 3m by pi r square h, और वॉल्यूम की जगह मैंने लिखा पाई आर स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन एच स्क्वायर. इट्स डिफरेंशियल मास इज 3m बाय पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 3m बाय एच क्यूब इंटू वाई स्क्वायर डी वाई. यह डिफरेंशियल मास हो गया. नाउ दिस इज द डिफरेंशियल मास ऑफ दिस सर्कुलर डिस्क, अ थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क. इस थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से पास होती हुई एक्सिस के लिए हमने लिख रखा है इट्स हाफ dm into r square. This is moment of inertia of a thin uniform circular disk about an axis passing through its center. So this di would be equal to half. dm ki jagah par yeh expression likh diya 3m by h cube into y square dy, और r square की जगह लिखा हमने r by h into y full square. So this di would reduce to 3 by 2 m r square upon h to the power 5 into y to the power 4 dy. हम कहेंगे total moment of inertia is integral of di or its integral of 3 by 2 mr square by h to the power 5 into y to the power 4 dy. 3 by 2 mr square upon h to the power 5 is a constant h. अंदर रह जाएगा y to the power 4 dy. अब जरा देखिए y के लिमिट्स कहां से कहां तक जा रही है. इस जगह पर जब हम पहला एलिमेंट लेंगे तब y की वैल्यू 0 होगी. इस जगह पर जब हम आखिरी एलिमेंट लेंगे तब y की वैल्यू h होगी. y goes from 0 to capital H. It's 3 by 2 mr square by h to the power 5 into y to the power 5 by 5 from 0 to h. Limits rakh dijiye and you will get this result 3 by 10 mr square. And we conclude that moment of inertia is independent of this half angle alpha. It's independent of this height h. Height h cancel ho raha hai. Or half angle alpha appear nahi ho raha. Main ek sawal isi samay aur karne ke liye deta hu. Try to solve this.
if we have a thin, hollow cylinder, closed at both end, mass M, radius R, height H. If it is rotated about this axis, it's a thin hollow cylinder closed at both end. Its mass is M, radius is R, height is H. It's rotated about this axis passing through its center. What would be moment of inertia of the body about this axis? Moment of inertia ke liye expression likhiye. Ya to pehla part hai. And the second part is of the same problem. If height approaches 0, तब moment of inertia की value क्या approach करेगी? And the third part is, if height approaches infinity, तब moment of inertia की value क्या approach करेगी? We have a thin hollow cylinder closed at both end, जिसका mass M है, radius R है और height H है. उसको center से pass होती हुई इस axis के about rotate करा जाता है. इसका moment of inertia क्या होगा? उस expression को लिखिए. यदि हाइट जीरो होती है सिलेंडर की कम होते होते, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? और यदि हाइट इंफिनिटी हो जाती है बढ़ते बढ़ते, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इस एक्सप्रेशन को लिखिए. वंस अगेन 10 मिनट का समय दूंगा मैं इस बात को सोचने के लिए और लिखने के लिए. चलिए अब इस सिचुएशन को हम सॉल्व करते हैं. इनफैक्ट इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें लिमिट्स का कंसेप्ट और उसका एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स में हमने लिमिट्स काफी पढ़ रखा है, काफी समझ रखा है, उस लिमिट्स के कंसेप्ट को हम फिजिकली विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे. वंस अगेन कई बार ये इस तरह के सवाल बड़े कंफ्यूज कर देते हैं कि हाउ दिस प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम द आर्टिकल दैट वी हैड ऑलरेडी स्टडीड, थिन हॉलो सिलेंडर. वो थिन हॉलो सिलेंडर था, दोनों तरफ से ओपन था. इस बार इस सिलेंडर में ऊपर और नीचे दोनों तरफ दो ढक्कन है, वो उसी मटेरियल के बने हुए हैं जिसके सिलेंडर है. ये डब्बा है, सिलेंड्रिकल डब्बा जो ऊपर और नीचे से क्लोज है और इसको घुमाया जा रहा है. सबसे पहले केस में, सबसे पहली बात, इसमें हम एक
कॉन्स्टेंट एक यूनिफॉर्म क्वांटिटी डिफाइन करते हैं एंड दैट मस्ट बी डेफिनेटली मास पर यूनिट एरिया, क्योंकि मास पूरी तरह से एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है. कॉन्स्टेंट क्वांटिटी हम डिफाइन करेंगे मास पर यूनिट एरिया. मास तो इसका एम है, मास तो इसका एम है. अब एरिया क्या है जरा यह देखें. एरिया दो तीन एरिया है, एक तो ऊपर वाला ढक्कन, नीचे वाला ढक्कन और एक कर्व्ड सरफेस. कर्व्ड सरफेस एरिया है 2πRh, 2πR इंटू एच, यह तो कर्व्ड सरफेस एरिया है. 2πR इज सर्कमफेरेंस एंड हाइट इज h, लेंथ इज 2πR, हाइट इज h, और दोनों ढक्कन का जो एरिया है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, इट्स 2πR स्क्वायर. दिस इज द टोटल एरिया एंड मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड और डिवाइडेड ओवर दिस एरिया. अब मास m1 तो मैं कर्व्ड सरफेस को बोल देता हूं, मास m2 ऊपर वाला ढक्कन और मास m3 नीचे वाला ढक्कन, तो मास m1 जो कर्व्ड सरफेस एरिया है यह हो जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर एच. और यह दिखाई देने लगेगा 2 पाई आर कैंसिल, एम एच अपॉन एच प्लस आर, एम बचा रह जाएगा और 2 पाई आर एच जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, इधर एच बचेगा और एक आर बचेगा. और मास m2 और m3 बराबर होंगे, मास m2 और m3 बराबर होंगे और यह मास होएगा मास पर यूनिट एरिया इंटू पाई आर स्क्वायर. तो यह जो मास होगा दैट वुड बी एम पाई आर कैंसिल हो जाएगा, एम आर बाय टू अपॉन एच प्लस आर, पाई आर कैंसिल टू ऊपर चला गया, एम आर बाय टू अपॉन एच प्लस आर, यह मास एम टू एम थ्री होगा. मैंने मास m1 जो कर्व्ड सिलेंड्रिकल सरफेस है उसे कहा है और उसका मास लिख दिया मास पर यूनिट एरिया इंटू इट्स एरिया. मास m2 और m3 ऊपर और नीचे वाले दोनों ढक्कन को कहा मास पर यूनिट एरिया इंटू देयर एरिया, दोनों बराबर होंगे, दोनों के लिए एक्सप्रेशन लिख दिया. क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते समय मासस पता होना जरूरी है. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री. आई वन इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस कर्व्ड सिलेंड्रिकल सरफेस, आई टू इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अपर सर्कुलर डिस्क, I3 is moment of inertia due to this lower circular disk. यह जो curved cylindrical surface है इसके लिए moment of inertia हमने article में लिख रखा है, सीधा सीधा लगा देंगे. इसका mass m h by r plus h into r square. I2 और I3 बराबर होंगे तो I2 लिखकर इंटू टू कर दूंगा, I2 लिखूंगा. I2 क्या है? सर्कुलर डिस्क, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम की जगह यह लिखूंगा एम आर बाय टू अपॉन
R plus H, half M R square, R की जगह R square. और इस तरह के दो वेक्टर है ऊपर और नीचे, दो मासेस है, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा I2 plus I3, दो बार करने के बजाय मैं इंटू टू कर देता हूं. इस तरह से मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिखेगा, यह टू से यह टू कैंसल्ड, एम आर स्क्वायर ऊपर दिख रहा है, नीचे आर प्लस एच दिख रहा है, जो हर जगह दिख रहा है, एम एम इधर दिख रहा है, आर स्क्वायर इधर दिख रहा है, आर प्लस एच, और अंदर जो क्वांटिटी बनती दिख रही है इधर एच प्लस आर बाय टू. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मैं इस एक्सप्रेशन को इधर लिख देता हूं, एम इंटू एच प्लस आर बाय टू इंटू आर स्क्वायर अपॉन एच प्लस आर. अब इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं रीअरेंज करके लिखता हूं जिससे कि मैं लिमिट्स अप्लाई कर सकूं. सबसे पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देख लीजिए. अब इस लिमिट्स को अप्लाई करने के लिए, व्हेन एच अप्रोचेस जीरो, इस लिमिट को अप्लाई करने के लिए और एच अप्रोचेस इंफिनिटी, इसे अप्लाई करने के लिए मैं इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एक्सप्रेशन को मैं दोबारा लिखूंगा. एच इक्वल एच अप्रोचेस जीरो अप्लाई करना है तो h बाय आर टर्म बन जाए. तो न्यूमरेटर को भी मैं r से डिवाइड करता हूं, डिनोमिनेटर को भी मैं r से डिवाइड करता हूं. तो इसे लिखूंगा एम आर स्क्वायर, इसे मैंने r से डिवाइड करा तो r h बाय आर प्लस वन बाय टू, और इधर भी हो गया h बाय आर प्लस वन. अब जरा आप देखिए, when h approaches zero, जब h approaches zero होएगा तो h by r also approaches zero. h approaches zero तो h by r approaches zero. h by r zero करूंगा, इधर h by r zero करूंगा तो m r square into 1 by 2 upon 1, तो यह हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय टू. और ऑफ कोर्स ऐसा होना भी चाहिए, यदि यह सिलेंडर छोटा होता जाए इसकी हाइट कम होती जाए तो अल्टीमेटली तो एक सर्कुलर डिस्क दिखने लगेगा जिसका रेडियस आर है. और यदि यह सर्कुलर डिस्क दिखने लगा जिसका रेडियस आर है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एमआर स्क्वायर बाय टू होना चाहिए. वही चीज आ भी रही है. अब एच अप्रोचेस इंफिनिटी के लिए मैं दोबारा इसी इक्वेशन को रीअरेंज करता हूं. एच अप्रोचेस इंफिनिटी करना है मुझको तो मैं आर बाय एच के टर्म्स में इक्वेशन को बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब एच अप्रोचेस इंफिनिटी होगा तो आर बाय एच अप्रोचेस जीरो हो जाएगा. तो मैं न्यूमरेटर को भी आर एच से डिवाइड कर दूंगा और डिनोमिनेटर को भी एच से डिवाइड कर दूंगा और इस इक्वेशन को लिख दूंगा एम आर स्क्वायर इंटू वन प्लस आर बाय टू एच अपॉन वन प्लस आर बाय टू एच आर बाय एच प्लस वन. इस इक्वेशन को मैंने न्यूमरेटर में भी एच से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी एच से डिवाइड कर दिया. एच अप्रोचेस इनफिनिटी, आर बाय एच अप्रोचेस जीरो कर दो, आर बाय एच इधर जीरो हो गया, यह जीरो हो गया तो एम आर स्क्वायर इंटू वन
अपॉन वन. मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बिकम एम आर स्क्वायर. और ऑफकोर्स फिजिकली होना भी चाहिए. यदि यह सिलेंडर इनफाइनाइट हाइट का हो जाए तो एक हॉलो सिलेंडर हो गया. ऊपर और नीचे वाले ढक्कन होना इनविजिबल मासेस के हो गए. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सिर्फ सिलेंडर की वजह से दिखना चाहिए. ढक्कन का मास नेग्लिजिबल होगा इसलिए उनकी वजह से कोई खास मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं. और फिर हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने मास को लिख रखा है और वही एक्सप्रेशन आता दिखा है. द प्रॉब्लम इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इस कंसेप्ट को समझिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को स्केलरली ऐड कर दिया जाता है अलग अलग मासेस की वजह से. इस तरह का मास सिस्टम दिया हुआ हो तो कॉन्स्टेंट क्वांटिटी डिफाइन करके अलग अलग मासेस की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर दे और साथ में लिमिट्स के इस कंसेप्ट के एप्लीकेशन को देखिए. मैथमेटिकली लिमिट्स आपने काफी पढ़ रखा है. फिजिकली लिमिट्स का कंसेप्ट किस तरह से उपयोगी है, किस तरह से अप्लाई होता है, इस बात को फिजिकली